বিজেপিৰ ফুল থৈ দিয়া হৈছে, সেই ফুলবোৰ ছটিয়াই দিয়া হৈছে। অমিত শ্বাহৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা আছে। উপাসনা, हमारे साथ उपस्थित है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके साथ हम कुछ बात करना चाहेंगे क्योंकि चुनावी सिलसिले से वो तिनसुकिया में आए हैं और रोड शो के दौरान वो अभी चल रहे हैं हमारे साथ। सर आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 में। पहले आपसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है, जैसे सर्वानंद सोनोवाल के लिए प्रचार करने के लिए आप तिनसुकिया में आए हैं, कैसा लग रहा है आज आसाम में आके? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और आसाम में जिस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका बहुत ह्यूज समर्थन, बड़ी मात्रा में समर्थन आज तिनसुकिया डिब्रूगढ़ जैसे इंटीरियर जिलों में भी मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। सर और एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे उत्तर पूर्व में सर उत्तर पूर्व में 25 सीटें और असम में 14 सीटें, क्या बोलना चाहेंगे बीजेपी को, कितना सीटें पर उत्तर असम में बीजेपी 12 सीटें कम से कम जीतेगी और उत्तर पूर्व में भी एनडीए के सभी एलआईस चुनाव जीतने जा रहे हैं, एक दो जगह छोड़कर हम सब जगह मजबूत है और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। 19 में भी नॉर्थ ईस्ट ने मोदी जी का समर्थन किया था, बीजेपी का समर्थन किया था, 24 में भी करेगा और मजबूती के साथ करेगा। सर आप देखा जाए तो पहले 19 के चुनाव में भी देखा जाए कि बीजेपी ने 25 सीटें और जैसे असम में भी 14 सीटें मिली थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम हमारी सीटों में और मार्जिन में दोनों में बढ़ोतरी करेंगे। मोदी जी को देश भर में जहां जहां गए वहां समर्थन मिला है और जन का सैलाब ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है सभी। सर और एक बात, जैसे इस बार असम के लोगों के लिए, पूरे उत्तर पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है, मतलब आपके क्या अच्छी खबर क्या लाएंगे इस बार? देखिए सारे जितने भी डिस्प्यूट्स थे लगभग रिजॉल्व हो चुके, 10 से ज्यादा समझौते कर उत्तर पूर्व में शांति की गई है। इतना ही नहीं, रेल हो, विमान कनेक्टिविटी हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी, मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए हैं और अब इंडस्ट्री भी आ रही है तो पूरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मेन स्ट्रीम भारत जैसा हो रहा है। विकास तो बहुत हो चुका है सर अभी असम में जैसे देखा जा रहा है, तो आप विकास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हर कोने से, चाहे इरिगेशन हो, चाहे बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे रोड बनाना हो, रेल नेटवर्क बनाना हो या एयरलाइन कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पीएम स्वयं नॉर्थ ईस्ट आए, कभी इसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। मोदी जी ने बोला है कि जस्ट चाहे 400 सीटें इस बार मोदी का गारंटी और हेमंत की वारंटी, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं देखिए मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का गारंटी लिया है, सुरक्षित भारत की गारंटी दी है और समृद्ध भारत की गारंटी दी है। मुझे विश्वास है इसके लिए हम बहुत मजबूती से काम करेंगे और आगे पर मोदी जी ने जो संकल्प रखा है देश की जनता इसको पूरा करे। অমিত শ্বাহৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। অমিত শ্বাহ যথেষ্ট আশাবাদী আৰু তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পদুম ফুলিব, যি তেওঁলোকে সপোন দেখিছে সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব, যি সপোন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেখিছে সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব, এই আশা এই আত্মবিশ্বাস অমিত শ্বাহৰ। আৰু এক্সক্লুচিভলি নিউজ 18ৰ সন্মুখত ইয়াক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎকাৰ, এই ৰোড শ্ব'ত অংশ লৈ থকাৰ মাজতে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ দিলে আৰু আমি এক্সক্লুচিভলি এইখিনি তথ্য পাইছোঁ অমিত শ্বাহৰ পৰা। তেওঁ কৈছে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ অতিশয় আনন্দিত আৰু অসমত 12খন আসন নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে পাব, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে পাব, এই দৃঢ় বিশ্বাস লৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে আৰু সম্পূৰ্ণ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবোৰত। এই নিৰ্বাচনী